हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूं बोट रॉकरेज 510 हेडफोन्स की। जी हां दोस्तों, ये हेडफोन्स मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हेडफोन्स थी और वन ईयर से मैं इसे परचेज करना चाहता था, लेकिन मैं किसी वजह से इसे परचेज नहीं कर पाया। तो फाइनली मैंने इसे अब कर आके परचेज कर लिया है और ये हेडफोन सुपर बेस हेडफोन है जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दूं और आप लोगों के सामने इसे अनबॉक्स करके दिखाऊं, इसका रिव्यू करके दिखा दूं, जो कि इसके फर्स्ट इंप्रेशन क्या है और लास्ट इंप्रेशन क्या है ये हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और मैं हाँ यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको भी इसे परचेस करना तो आप भी इसे परचेस कर सकते हैं। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये हेडफोन वहाँ से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसे अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं बोट ने कुछ इस तरह की पैकिंग में मेरे को हेडफोन भेजी है। इसकी पैकिंग मेरे को कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी। और हाँ कलर बता दूं, कलर यार मेरे को रेड ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके और भी कलर आते हैं, अगर आपको कोई और कलर पसंद हो तो आप उस कलर के हेडफोन्स मंगा लेना। तो मैं साइड से दिखा देता हूं कुछ इस तरह की देखने में। पीछे कुछ फीचर लिस्टेड है, अब मैं इसे ओपन कर लेता हूं फटाफट से। ये मैंने ओपन कर ली और यहाँ अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी हेडफोन्स है। इसे मैंने बाहर निकाल लिया और इसके अंदर कुछ एसेसरीज़ वगैरह हैं वो भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और कुछ यूजर मैनुअल हैं उन्हें भी हम बाहर निकाल लेते हैं और वारंटी कार्ड को। ठीक है, अब ये बॉक्स हम साइड रख देते हैं, इसका काम है नहीं। वारंटी कार्ड का एक स्टिकर टाइप का दिया हुआ है, इसे मैं साइड करता हूँ। और यहाँ पर एक यूजर मैनुअल दिया हुआ है, इसमें डिटेल्स दी हुई हैं, पीछे वारंटी कार्ड भी इसके दिया हुआ है। ठीक है, इसे भी मैं साइड करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक इन्होंने कार्ड टाइप का दे रखा है जिसमें इनके जो भी प्रोडक्ट है उनको जिन सेलिब्रिटीज़ ने प्रमोट किया है वो कार्ड है। ठीक है, इसका कोई काम है नहीं, इसे भी हम साइड करते हैं। ठीक है, अब मैं हेडफोन्स के ऊपर आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसकी एसेसरीज़ पर बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी एसेसरीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या एसेसरीज़ हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे एक USB केबल देखने को मिलती है हमें और एक ऑक्स केबल देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं USB केबल की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसे फटाफट से खोल लेता हूँ और खोलने के बाद मैं बता दूँ, मैं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इधर से हम मोबाइल के चार्जर में लगाएंगे इसे, इधर से हम अपनी हेडफोन में इंसर्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी हेडफोन में इंसर्ट करके दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से लगाना है। ठीक है, और इसे अपने मोबाइल के चार्जर में लगा के सॉकेट में लगा देना। तो यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेटर शो होगा जब हमारी हेडफोन चार्ज होगी, और जब फुल चार्ज हो जाएगी तो एक नीले कलर का इंडिकेटर शो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे चार्जिंग की बात। अब मैं इसे साइड रखता हूँ और मैं ऑक्स केबल की बात करूँगा। तो ये है भाई हमारी ऑक्स केबल। अब ये किस कंडीशन में काम आएगी, जब हमारी हेडफोन डिस्चार्ज हो जाएगी, जब हमारी हेडफोन डाउन होने के बाद हमारे पास टाइम नहीं होगा चार्ज करने का हेडफोन को, तो हम इस कंडीशन में इसे ऑक्स केबल का यूज करेंगे हेडफोन में। ठीक है, और अपने गानों का आनंद ले सकते हैं। तो ऑक्स केबल को आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। ठीक है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि ये डुअल वायर्ड एंड वायरलेस है और ये दोनों तरफ से 3.5 mm का जैक है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। अब इस तरीके से आप हेडफोन में यहाँ एक जैक दे दिया है इन लोगों ने, तो यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना और इस साइड से अपने लैपटॉप मोबाइल जिसमें आपको म्यूजिक सुनना है, किसी से बात करनी है कॉलिंग पे, तो आप कर सकते हैं। ये ऑक्स केबल का यूज हो गया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इस हेडफोन की। इसे हम साइड करते हैं। ठीक है, इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी दी गई है। ठीक है, इसे हमने साइड कर दिया। अब ये है भाई हमारा मेन प्रोडक्ट, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसके जो ईयर कप्स हैं ये काफ़ी सॉफ्ट दिए हैं जिससे हमारे ईयर को प्रॉब्लम ना हो, दर्द ना हो हमारे ईयर में। तो ये लेदर क्वालिटी में है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। ठीक है, दोनों साइड ईयर कप्स दिए हुए हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, और ये आप देख सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ दबा के। ठीक है, तो ये तो हमारे ईयर कप्स हो गए जो हमें कंफर्टेबल फील होगा, और ऊपर की साइड में एक हेड कप्स दिया हुआ है जो कि हमारे सिर पे जब हम इस हेडफोन को ऊपर से लगाएंगे तो हमारे सिर में दर्द ना हो, हेडेक ना हो, तो उसकी वजह से दिया हुआ है। हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं इस हेडफोन का। ठीक है, तो अब मैं इसकी क्वालिटी की बात कर लूँ। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे एक पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, इसी से हम म्यूजिक को प्ले एंड पॉज करेंगे और यहीं से हम कॉलिंग को रिसीव करेंगे और कट करेंगे। तो यहाँ पे ये मल्टीपल बटन दिए हुए हैं, दो बटन दिए हुए हैं यहाँ पे।
ठीक है, और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड का बटन दिया हुआ है, साइड में जो बटन है ये बैकवर्ड फॉरवर्ड के म्यूजिक को, ठीक है, और यहाँ माइनस प्लस म्यूजिक को करने के लिए है, ठीक है। अगर हमें आवाज़ को ज़्यादा करना है तो प्लस कर देना और कम करना है तो माइनस कर देना है, और यहाँ पे राइट और इस साइड लेफ़्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि हमें ये पता चल जाएगा हेडफोन सीधी किस साइड से हमें लगानी है। और इन्होंने कॉलिंग के लिए यहाँ पर माइक भी दे रखा है, आप यहाँ से कॉलिंग पर बात भी कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है 50 mm के ड्राइवर के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ है, देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और 400 mAh की बैटरी है इसकी, जो कि 20 घंटे बैटरी बैकअप देगी, ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। हम 2.5 घंटे चार्ज करेंगे तो 20 घंटे का बैटरी बैकअप हम इससे ले सकते हैं, हमें 20 घंटे तक चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर बोर्ड का कुछ लोगो दिया हुआ है, तो यहाँ से हम एक्सटेंड करके इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे, तो इससे हेडफोन का साइज़ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्टेबल कर सकते हैं इस हेडफोन को। तो ये चीज़ होगी। अब मैं इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि इस हेडफोन को किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है अपने मोबाइल से। हमें इस बटन को ऑन कर देना है, ठीक है। जब हम ऑन कर देंगे तो यह नीले कलर की और लाल कलर की एक लाइट शो होगी, इंडिकेटर शो होगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा ये पेयरिंग मोड पर। अब हम अपने फ़ोन को लेंगे और इसका हम ब्लूटूथ ऑन कर देंगे, ठीक है। अगर हमें लैपटॉप से कनेक्ट करना है तो हमें लैपटॉप का ब्लूटूथ ऑन कर देना, और जब हम ऑन कर देंगे तो हमारी डिवाइस स्कैन कर लेगी। और यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ आ गया है बोट रॉकरेस 510, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब ये हमारी हेडफोन कनेक्ट हो चुकी है हमारे फ़ोन से, तो ये बहुत ही सिंपल है इसे कनेक्ट करना अपने फ़ोन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे दिखा भी रहा है कि हेडफोन कनेक्टेड, और यहाँ पे इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा जब ये कनेक्ट हो जाएगी। अब हम इसका टेस्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस हेडफोन्स को हमने कनेक्ट कर लिया अपने फ़ोन के साथ। अब हम सबसे पहले इसकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट करेंगे कि कितनी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस इसकी साउंड क्वालिटी की है, और उसके बाद हम इसे कॉलिंग पे टेस्ट करके देखेंगे कि कितनी ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी ये कॉलिंग पे दे रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसे आपको परचेस करना चाहिए नहीं चाहिए, या आपको कहाँ से परचेस करना है और कितने रुपये में आपको ये पड़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसकी साउंड क्वालिटी को हम टेस्ट कर लेते हैं। तो इस हेडफोन्स को हम यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। अब हमें इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, और इसे यहाँ से हम इस तरीके से कर देंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये हेडफोन्स ने मेरे कान को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब आप फर्स्ट इम्प्रेशन देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आपको शायद मिलता हो। तो चलिए म्यूज़िक सुन लेते हैं पहले। तो मैं यूट्यूब पर एक गाना प्ले करके इसकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट कर लेता हूँ। आवाज़ आपको सुनने में आ रही होगी, कितनी अच्छी आवाज़ इसकी आ रही है आप लोगों के पास, ठीक है। तो इसकी आवाज़ आपको सुनने में आ गई होगी कि कितनी ज़्यादा बेटर इसकी आवाज़ आ रही है, और आपको शायद माइक में सुनाई भी देता हो कि कितनी अच्छी इसके जो बेस क्वालिटी है ना यार, इसका बेस बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको एकदम बजट रेंज में आपको अच्छा बेस सुनने को मिल जाता है, और फाइनली सभी लोगों को पसंद होता है हेडफोन्स के अंदर बेस। तो मुझे तो बेस पसंद है हेडफोन्स के अंदर, और मेरे अकॉर्डिंग इसका जो बेस क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर। और अब हम इसे कॉलिंग पे टेस्ट करके देख लेते हैं। तो चलिए हम कॉल लगा लेते हैं अपने किसी दोस्त को। कॉलिंग लग चुकी है। तो इसकी यार जो कॉलिंग पे वॉइस आ रही है सामने वाले बंदे की, वो बिल्कुल क्लियर आ रही है, क्योंकि इन्होंने 50 mm का ड्राइवर इसके अंदर यूज किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो सामने वाले की बंदे की वॉइस आ रही है मेरे तक, वो बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही है। और मैंने उससे पूछा मेरी वॉइस कैसी आ रही है, तो उसने बताया कि मेरी वॉइस भी एकदम बेटर क्वालिटी में जा रही है उस तक। अब मैं बात कर लूँ कि आपको इसे परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो मेरे हिसाब से यार मुझे हेडफोन्स काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी। अगर आपको बेस वाली हेडफोन्स पसंद हो तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। और अभी मैं बता दूँ, आप अमेजोन से इसे परचेस कर लो, क्योंकि अमेजोन पे
सिर्फ 1500 रुपये में आपको ये मिल जाएगी, क्योंकि मैं एक साल से इसे ट्राई कर रहा था, जो कि इसकी कीमत 2000 रुपये से कम नहीं हो रही थी, लेकिन अभी ऑफ़र प्राइस में ये 1500 रुपये के समथिंग में आपको मिल जाएगी, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये अच्छा मौका है आपके लिए। तो इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इस हेडफोन्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, मैं इस हेडफोन्स के बारे में आप लोगों को बता दूँ, फ्लिपकार्ट ने अपनी साइट पर एक लाइन मेंशन की है इस हेडफोन्स के ऊपर, सुपर बेस हेडफोन, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सुपर बेस का मतलब इन्होंने जो दिया है वो एकदम करेक्ट दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेस है इस हेडफोन्स के अंदर, तो इसीलिए। और इस हेडफोन्स को फ्लिपकार्ट के ऊपर करीब 1 लाख से भी ज़्यादा बंदों ने रेटिंग दी है, तो यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा बेटर है और कितने बंदों ने इसे परचेस किया है। तो यार, अगर आपको परचेस करना हो तो आप परचेस कर सकते हैं। और वीडियो यार कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी न्यू YouTube टिप्स या ट्रिक्स के साथ, या किसी नए प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए